अच्छा झारखंड से आओ या दिल्ली से आओ, है तो इंडिया का ही। हाँ, और देखो जो झारखंड का डीजे आ रहा है वो भी बढ़िया है। बढ़िया। और देखो उस बंदे की जो आ रही है ना, जो बंदा लेके आ रहा है वो तो उसके माल के ऊपर पता चलेगा। दूसरी बात, वो बंदा अपना लेके जो आ रहा है ना, यहाँ के बंदों को पता चलेगा डीजे बसता कैसे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो बंदा यहाँ से जीत के जाए। वो अगले बार के लिए ट्रोला तैयार करने के लिए तैयार हो गया है, कह रहा है अगर मेरी समझ में आ गया मैं ट्रोला लगा दूंगा अगली बार। ट्रोला लेके आएगा तो 60 बेस का। हाँ, वो कर देगा 60 बेस लेके आएगा तो 60 बेस का मतलब समझते हो आप, कम से कम तो बेस मारेगा 15 किलोमीटर जाके। ऐसा ना हो बच के आ रहा है, हरिद्वार बजे और दिल्ली में आ जाओ। ये तो है 1 बजे, आप 1 बजे तक क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करने का टाइम है। हमारे आराम करने का समय नहीं है, हमारे को काम करने का समय है। अच्छा, कावड़ तक कब तक? 25 तारीख तक। 25 तारीख तक रात को समझ लो कि हमें सुबह के 4 बज जाए, 5 बज जाए या 3 बज जाए। और ये अच्छी चीज कर रहे हो आप, जो ये आपने फिटिंग कर रखी है ना, ये बहुत ही अच्छी है भाई। जैसी कावड़ मुश्किल है कोई बना सके। पिल्लर है इधर ऊपर से नीचे तक, कौन सा किस में जाएगा वो तो टाइम बता। अब कावड़ की कसई ऐसी है ना, कावड़ कितना भी उठा के कैसे भी चला लो, कैसे भी नचा लो, कावड़ हिल नहीं सकती। अब बंदा चूर से हरिद्वार से और दिल्ली तक जाएगा कावड़ लेके। हाँ जी, वो भी सिंगल कंधे पे जा रही है तो उसमें दिक्कत आएगी तो नाम हमारे ही खराब होगा, तो हम अपने नाम को खराब नहीं होने देंगे इस तरीके से। कौन सी कावड़ पे आपको दिखाई देगा ये भी पता नहीं है, अलग अलग है अभी तो मामला। तो हल्का हल्का सा आपको नीचे का थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा, पूरा देखने को मिलेगा नहीं, वो तो हरिद्वार में देखने को मिलेगा जब ही आपको सरप्राइज मिलेगा। यानी धड़कन डीजे वाले लेके भी चले गए अपनी कावड़ को, लाइटिंग लग रही है, वो उन्हीं के पास होगी। तैयार हो रहे हैं अभी तो, अभी तो काफ़ी सारा काम पेंडिंग में भी चल रहा है। आपकी बार कितनी कावड़ बना रहे हो? 8 कावड़ भैया। 8 कावड़ भैया बना रहे हैं। भैया आपका नाम क्या? देखो हमारे चैनल पर अभी आपका नाम ही नहीं आया। विक्की मूर्ति कला केंद्र के नाम जो है मेरा टाइटल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हो भाई? मस्त। रात के बज के हो गए हैं, 11 बज गए चुके हैं भाई। और तुम्हारा भाई अभी अभी जस्ट घर से बाहर निकला है। क्यों निकला है? इसका बहुत ही तगड़ा रीजन है, बहुत ही तगड़े वाला। हमने आपको अपने यानी जो कावड़ यात्रा 2024 का जो ग्रुप है उससे मिलवा दिया है, डीजे सेटअप दिखा दिया है, सारी चीज कर दी है। लेकिन अभी हमारी आपको दिखाना रह गया भाई, हमारी कावड़ की एक झलक। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाई, जो हमारी विशाल कावड़ है ना उसकी एक छोटी सी झलक। और हम जा रहे हैं अपनी कावड़ की पूजा करने, यानी कि कावड़ को जो हम लड्डू वड्डू चढ़ाएंगे या पूजा करेंगे हमारे भैया, तो वो सारी चीज़ करने जा रहे हैं। फिलहाल में मैं भी घर से निकल चुका हूँ, वो भी घर से निकल चुके हैं, हम बीच में मिलने वाले हैं वो सारे के सारे जने गाड़ी से आ रहे हैं। मैं भी पहले सोच रहा था कि गाड़ी से जाता हूँ, लेकिन मेरा फिर इंस्टेंट प्लान बन गया भाई कि तुम्हारा भाई जाएगा रात में बाइक से, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, लेकिन तुम्हारा भाई फिर भी मज़े में बढ़िया बढ़िया एकदम मज़े लेता हुआ। और पीछे से भाई बहुत ज़्यादा उंगल करता हुआ एक ट्रक वाला, क्या करें इसका भाई, रात में ना ट्रक वाले बहुत उंगल करते हैं, इनसे बच के चलना चाहिए। चलो जी, मिलते हैं सारे सब जनों से और आपको भी मिलवाते हैं। और सारा सामान लेकर जा रहे हैं हम, बहुत सारा सामान जी भाई। हमारा ग्रुप जो है, जो भैया वगैरह गाड़ी लेकर आए ना, वो ये खड़ी है शायद। और हम फिलहाल में पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास में, गाड़ी में है सब, ये बाहर हैं, कैसे है कैसे नहीं है। ये रहे सारे के सारे, देखो बढ़िया जी बढ़िया। कैसे करोगे कैसे करोगे? सामान कौन सा? बैग में है। हाँ, गाड़ी में डालना है तो डाल दो। और बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई लोगों, बढ़िया। गाड़ी के अंदर माहौल बना रखा है इसलिए। कितनी ले लेते हो लास्ट? लास्ट 180 तक भी चली जाएगी। आप कितनी भगा लेते हो? 150। हाँ, कंटिन्यू कितनी देर चला सकते हो? कंटिन्यू 100-125 किलोमीटर बस, कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद बोल जाएगी? ये नहीं बोलेगी, मैं बोल जाऊंगा। वैसे अगर ये चलाई जा बंदे कितनी देर चला सकता है? कितनी भी देर चला लो, वो है कूलेंट वाला इंजन है, कूलेंट अपने इंजन को ठंडा करता रहेगा। अच्छा, निकल चुके हैं भाई यहाँ से भी हम, अब जा रहे हैं डायरेक्ट। गाड़ी आगे निकल चुकी है, मैं पीछे रह गया हूँ थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, गाड़ी तो हमारे हाथ यूँ ही आ जाएगी भाई, क्योंकि हम बाइक से हैं वो गाड़ी से हैं, तो कोई बात इसमें होती नहीं है। हमारी बाइक बाइक है भाई साहब, हंसू क्या ही बताऊँ, गजब जाती है ना धुआँ धाड़। तो इसलिए भाई
हम जल्दी पहुंच जाएंगे और मुझे इनके साथ ही जाना है क्योंकि मुझे एड्रेस का पता नहीं है, इन्हें सबको पता है, मुझे तो पता नहीं है भाई। और गाड़ी ये जा रही है अपनी वैगनार, तो भाई अभी ज़्यादा आगे भी नहीं निकली थी, टाइम से ही हमने पकड़ लिया, बहुत जल्दी पकड़ ली। पर इस टाइम ना भाई सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है अपने को, ये वाला ट्रक वाला और बस वाला जो ट्रैफिक है ना वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो उसको देखते हुए भाई थोड़ा सा संभल कर ही चलना पड़ेगा अपने को। हम पहुंच चुके हैं मोदी नगर और हम जा कर रहे हैं भाई मेरठ जा रहे हैं, हम अपनी कावड़ को देखने के लिए भी ना भाई मेरठ जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली की कावड़ जो हमारी है वो बननी है मेरठ में। और जिन भाई के पास हम जा रहे हैं ना भाई, उनके पास बन रही हैं बहुत ही बड़े बड़े डीजे, जो हमारे डीजे सेटअप जा रहे हैं उन बहुत सारे डीजे सेटअपों की कावड़ कौन कौन से की बन रही है, शायद मैं आपसे भाई की बात करवा दूं तो बता देंगे भाई अपने आप की कौन कौन से डीजे सेटअपों की कावड़ बननी है आपके पास में, यानी उनके पास में तो सारी चीज़ मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा, जैसे भी होगा सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल में मोदी नगर हैं, देखते हैं भाई रास्ता थोड़ा सा ना ख़राब है, ख़राब देख रहे हो, देखो देखो गाड़ी कहाँ चल रही है, ये गाड़ी साथ वाली है ही, मैं पीछे रख गया था थोड़ा सा तो ये गाड़ी साथ वाली है, तो ये वाली बात है, तो वो चीज़ देखते हुए मज़ेदार। अब देखो यह रास्ता अच्छा है गाइस, देखो भाई रात में ये निकला हुआ है ट्रक, ट्रक है नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली है शायद, ट्रैक्टर ट्रॉली है, और देख रहे हो बिल्कुल स्पेस नहीं है इसके बराबर में निकलने के लिए। ये देखो ये भी नीचे उतार के लेके जा रहा है, धूल उड़ा दी बहुत सारी, और देख रहे हो कितना बड़ा भयंकर भाई साहब, और देखो ट्रैक्टर ट्रॉली है भाई, ट्रैक्टर ट्रॉली कितना भयंकर भर रखी है भाई, देख रहे हो भुस्का ट्रोला है, भुस्का ट्रोला पूरा रोड घेर के चल रहा है, इसके अलावा किसी और को जाने की ज़रूरत ही कोई ना है। हम पहुँच चुके हैं फिलहाल में मेरठ, और अभी भाई हमारा एक ना पंगा हो गया हमारे साथ, तो हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है भाई, मेरी डाटा केबल जो है ना बेकार हो गई, मैंने अभी पीछे करके फेस किया था तो वो मुड़ गई नीचे को, अब ये डाटा केबल और ख़राब हो गई है, ये बुद्धि ख़राब हो गई, तो भाई कुत्ते बीच रोड पर नहीं आने का रे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर जहाँ पे हम अपनी कावड़ को देखने जा रहे हैं, और केवल वो मात्र यहाँ से बची है भाई 650-500 मीटर के करीब में, ये रास्ता जा रहा है इधर से जाएंगे इधर से, और यहाँ बज रहा है डीजे तगड़े वाला, पता नहीं कौन सा डीजे बज रहा होगा, अंदर बाहर बज रहा है, बाहर कौन सा बज रहा है, विनीत अच्छा शंकर आकर के कोई डीजे है वो बज रहा है भाई, ठीक है ना, और बजने तो देखो कितनी तेज आवाज आ रही है भाई, छोटे से छोटा डीजे कावड़ यात्रा में धमाल बचाने के लिए तैयार है, जब भी तो मैंने आपको बोला डीजे सेटअप कोई भी हो सारे के सारे तैयार हैं जो कि कावड़ यात्रा में मजे खड़े कर देंगे। जी भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, जिस भाई के हमें घर आना था उन भाइयों के घर हम पहुंच चुके हैं, और यहां पे इतना काफ़ी सारी कावड़ तैयार हो रही है, काफ़ी बड़े बड़े डीजों की भी कावड़ तैयार हो रही है, सारी चीज़ भैया से मिलकर बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे तैयारियां कैसे चल रही है। इस टाइम भी भैया तैयारियों लगे बड़े, देख रहे हो क्या बात है भाई, इधर देखो ये सारे भाई तो आ चुके हैं हमारे साथ में, और देखो यहाँ पे चल रही है तैयारी, ये भी किसी कावड़ का ही होगा पक्की बात है ना, और देखो ये सारा सामान अभी हम लेकर आए अपने साथ में, और ये फूल वगैरह भी सर कावड़ों पे लगने के लिए ही आए हुए हैं, ये कौन सी कावड़ पे आपको दिखाई देगा ये भी पता नहीं है, बढ़िया लग रहा है पर कोई ना कोई सी कावड़ पर ये जरूर आपको दिखाई देने वाला है, ये सारी चीज़ देखो कितनी सारी रस्सी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, अपनी कावड़ का नहीं है, अपनी कावड़ की तो झलक ही नहीं दिखा रही अभी, और देखो यहाँ भी काम चल रहा है, ये देखो ये अभी रात में टाइम बताओ क्या हो रहा है, अपनी कावड़ आ जाओ, अपनी कावड़ भी है, आ जाओ, देखो भाई टाइम हो रहा है रात के 12:40, और ये भाई अभी भी रात में मेहनत भी लगे रहो भाई, पूरी रात लगे रहोगे क्या सुबह तक आ गई है अपनी कावड़ को भाई पूरा तो दिखा नहीं सकते हम, किसी का ये भी कपड़ा दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजें यहाँ पे, तो अभी
लेकिन सारी की सारी सरप्राइज भैया किसी और की भी हम अनवील के ऊपर है। इधर भी है और इधर भी है। अभी इस चीज़ से काफ़ी सारा ऑप्शन निकाला जा सकता है, लेकिन देख लो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, नीचे नीचे का पोर्शन यहाँ भी देख लो, एक का पोर्शन ये है। अब ये बन के जब रिजल्ट आएगा ये तो हरिद्वार में आने वाला है, जब ये पूरी रेडी दिखाई देंगी आपको कौन सी किससे जॉइंट होगी कुछ नहीं पता। और ये सारे पिल्लर हैं इधर ऊपर से नीचे तक, कौन सा किस में जाएगा वो तो टाइम बताएगा। एक जा भी चुकी है, कौन ले गए इतनी जल्दी, कौन से डीजे वाले आप हैं? मेरठ का डीजे का नाम तो बता दो, डीजे कौन सा जा रहा है उसके साथ हैं? धड़कन डीजे वाले ले गए भाई, यानी धड़कन डीजे वाले लेके भी चले गए अपनी गावड़ को। लाइटिंग लग रही है वो उन्हीं के पास होगी, लाइटिंग का काम चलता है भाई। धड़कन डीजे वालों की भी कावड़ यहीं बनी है जो धड़कन डीजे जिन्होंने बुक करा है। और ऊपर काफ़ी सारा और मामला है जिसे हम देखने जा रहे हैं, आ जाओ ऊपर देखेंगे। आय हाय हाय, अभी तो यहाँ पे भाई काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये देखो ओहो हो क्या बात है। एक कावड़ भेज भी थी, ये देखो ये ढांचे तैयार हो रहे हैं अभी तो काफ़ी सारा काम पेंटिंग में भी चल रहा है। और कितनी कावड़ बता रहे थे आपकी बार, कितनी कावड़ बना रहे हो? आठ कावड़ भैया। आठ कावड़ भैया बना रहे हैं भैया। आपका नाम क्या, देखो हमारे चैनल पर अभी आपका नाम ही नहीं आया। विक्की मूर्ति कला केंद्र के नाम जो है मेरा टाइटल है, विक्की नाम है मेरा। विक्की नाम है भैया का। और मेरी जितनी भी कावड़ रहेंगी सबके पीछे मेरा बैनर होता है जिससे जिसको मैंने दिखाया भी हुआ है अपनी वीडियो में। अच्छा, धड़कन की भी यहीं से बनती है। और भी काफी सारे होंगे मेरठ के तो वैसे। हाँ जी। और देखो इधर भी काम चल रहा है भाई, अंदर भी काम चल रहा है अभी तो। ये देखो भाई ये भी अभी ढांचे वगैरह ही तैयार हुए हैं। ये लो भैया ने रोशनी जबरदस्त कर दी, बेहतरीन। अब ये भी आपको कावड़ मेले में देखने को मिलेगी किस तरीके से। क्या कह रहे हो, क्या करवाओगे? नए करवाओगे? अपने का तो दिखाओ, हरिद्वार में दिखाएंगे अपना। हरिद्वार बता दिया मैंने, आज तारीख है 12। और ये भी कोई तैयार करो सर, ये भी कोई तैयार हो रही है अभी तो। इसमें लोहे का फ्रेम कहाँ है? ये मुदाफरे वाले। अच्छा, मुदाफरे वाले तो ये लोहे के तैयार, लोहे से बनेंगे ये गेट बनते हैं, लोहे के गेट बनते हैं, पत्तियों के। अच्छा, ये लोहे की पत्ती भी है। कपड़ा चढ़ाया जाएगा। अच्छा, इन पे भी कपड़ा चढ़ेगा? इन पे कपड़ा चढ़ाया जाएगा, जैसे दोनों पिलर आते हैं ना तो उनके बीच में फिर लगाए जाएंगे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया एकदम। और ये चीज चल रही है, ये हमारा मोर है, एक मोर नीचे जो बना रखा है। ये एक ही कावड़ पे जाएंगे दोनों, ये अलग अलग कावड़ पे हैं? अलग अलग कावड़ पे हैं, बीच में आएंगे इसका मतलब। अब कौन कौन सी कावड़ पे आएंगे वो तो मेले में ही देखने, वो तो सब मेले में देखने को मिलेगा मामला। पर हमें मेले में वही मिल देखने को मिल जाएगा जहाँ हमारी कावड़ तैयार होगी। हाँ जी, हाँ वही सारी होगी, वही सारी तैयार होगी ना, एक ही जगह तैयार। कुछ ये है, कुछ ये है, और यहाँ भी काफी सारा सामान ये रखा हुआ है। कौन सा? महाकाल जी रखे। अच्छा, वो वाला। अच्छा अच्छा, सही है, वो पता नहीं चलेगा पर हम दिखा देंगे, पास में जाके दिखा देंगे थोड़ा सा महाकाल जी का। ये देख लो भाई यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला फ्रेम है पूरा, ये तैयार होगा भी। ये भी कावड़ पे आएगा, बढ़िया है ये। और एक ही ढांचा यहाँ पे भी रखा हुआ है, देखो भाई अच्छी तरीके से भाई रस्सी से कसे जा रहे हैं, बिल्कुल भी ना कहीं से कहीं तक नहीं लेगी। पिछली बार जो हमने कावड़ यात्रा करी थी ना पूरी, तो भाई उसमें भी बिल्कुल खिसकी नहीं थी ये, तो इतना बेहतरीन तरीके से इनको कसा जाता है जो कि ये टस्से मस ना हो जाए रस्ते में, किसी भी कावड़ वालों को दिक्कत ना हो। भरोसे पर ही इंसान आता है, ये भरोसा भैया ने जीता हुआ है, तो भैया के पास फिर सब आते ही आते हैं इसीलिए, तो इसीलिए भैया पूरा मजबूती से काम करके देते हैं। देख लो अगली
अगली साल के डीजे की बात चल रही है। अगली साल का डीजे कहाँ से आने वाला है? इंग्लैंड से मंगवाने के मन है। इंग्लैंड से सीधा ना? किसमें? ट्रोले में मंगवाओगे, ट्रक में लदवा के? अच्छा टेम्पो आता है। रात को तुम्हें 1 बजे बैठ गए, तुम रात को फुर्सत में बैठ के ये बात कर रहे हो कि इंग्लैंड से अगला डीजे आ रहा है। 1 बजे उसकी है टाइम, यहाँ कैसे करें टाइम पूरा कैसे करें? अच्छा सुबह को ही जाना, सुबह को जाना है। अच्छा आज रात पूरी पास करनी है सुबह। लेकिन वैसे एक बात तो करें, अगर इंग्लैंड से डीजे आ गया कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे भारत का नाम खराब नहीं करना चाहते हम, अपने हिंदुस्तानी बढ़िया है। जितने यहाँ पर डीजे हो गए ये तो पलटे गए भैया, जितने यहाँ डीजे वाले हैं वो ही बढ़िया हैं। अच्छा यार देखो, वहाँ पैसा खर्च करेंगे सब, बढ़िया यहाँ खर्च करेंगे। अब चाहे झारखंड से मंगाओ, चाहे झारखंड से आओ या दिल्ली से आओ, है तो इंडिया का ही। और देखो जो झारखंड का डीजे आ रहा है वो भी बढ़िया बढ़िया। और देखो उस बंदे की जो आ रही है ना, जो बंदा लेके आ रहा है वो तो उसके माल के ऊपर पता चलेगा। दूसरी बात, वो बंदा अपना लेके जो आ रहा है ना, यहाँ के बंदों को पता चलेगा डीजे बसता कैसे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो बंदा यहाँ से जीत के जाए, वो हार के ना जाए, झुक के ना जाए किसी के आगे। कम नहीं है यहाँ के बंदे भी, कम नहीं है भाई। राहुल तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बाहर के बंदे का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। देखो चार बंदे, दो बंदे खड़े होंगे, एक तो हारेगा, एक तो बंदा हारेगा, कोई भी हारे, लेकिन एक बताऊं, लेकिन वो बंदा हार के नहीं जाना चाहिए, ताकि उसका मनोबल बढ़े, अगले साल और बड़ा लेके आए। वो अगले बार के लिए ट्रोला तैयार करने के लिए तैयार हो गया है, कह रहा है अगर मेरी समझ में आ गया मैं ट्रोला लगा दूंगा अगली बार। ट्रोला लेके आएगा तो 60 बेस का, हाँ वो कर देगा। 60 बेस लेके आएगा तो 60 बेस का मतलब समझते हो आप, कम से कम बेस मारेगा 15 किलोमीटर जाके। ऐसा ना हो बच के आ रहा है, हरिद्वार बजे और दिल्ली में आ जाओ। और भैया आप बताओ, छोड़ो इनकी बात, अब रात भर ये तो आए 1 बजे, आप 1 बजे तक क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करने का टाइम है। हमारे आराम करने का समय नहीं है, हमारे को काम करने का समय है। अच्छा कावड़ तक कब तक? 25 तारीख तक। 25 तारीख तक रात को समझ लो कि हमें सुबह के 4 बज जाए, 5 बज जाए या 3 बज जाए। और दिन में फिर? हेलो सुबह उठ जाते हैं 9 बजे। सुबह भी 9 बजे उठ जाते हो? फिर काम में? फिर काम में लग जाते हैं। यानी मैं काम ज्यादा है अभी, 4 कावड़ 100 और बनानी है मुझे। 4 कावड़ और बनानी है अभी। अब मेरे पे समय का केवल 10 दिन का, इस समय 10 दिन का समय बचा है, 10 दिन में 4 कावड़ और तैयार और तैयार करनी है। जैसे बाहर अभी ढांचा वगैरह सारी चीज तैयार जो रखा है, ये सब तो तैयार देख ही लिया। ये अच्छी चीज कर रहे हो आप, जो ये आपने फिटिंग कर रखी है ना, ये बहुत ही अच्छी है भाई। जैसी कावड़ मुश्किल है कोई बना सके, जो कावड़ की कसाई होती है ना, हर किसी की मुश्किल है, वो ये होती है। इसी मारे तो दिल्ली से यहाँ आया जा रहा है, इसी मारे दोबारा फिर इनके पास आया जा रहा है, क्योंकि कावड़ की कसाई मेन होती है। अब कावड़ की कसाई ऐसी है ना, कावड़ कितना भी उठा के कैसे भी चला लो, कैसे भी नचा लो, कावड़ हिल नहीं सकती। कावड़ बहुत अच्छी कसाई होती है, तो वही चीज चाहिए होती है, और भैया वो चीज पूरी करके दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हम, जिससे कि अब बंदा इतनी दूर से हरिद्वार से और दिल्ली तक जाएगा कावड़ लेके। हाँ जी, वो भी सिंगल कंधे पे जा रही है, तो उसमें दिक्कत आएगी तो नाम हमारे ही खराब होगा, तो हम अपने नाम को खराब नहीं होने देंगे इस तरीके से। सही है भैया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आती है तो भाई वहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रास्ते में ही? रास्ते में कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे पिछली बार भैया को थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो मेरठ के टोल पे लाजे के पास थे, तो इन्होंने फोन करा तो मैं वहीं पहुंच गया। ये बात तो सबसे बढ़िया है भैया, क्योंकि बहुत से क्या करते हैं कावड़ बना के दे दी, हमारा काम खत्म। वो बहुत सारे लोगों की बात होती है, ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, कावड़ दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस कावड़ दे दी वहाँ खत्म। दिल्ली तक मतलब कावड़ में कुछ भी होगा जब तक घर नहीं पहुँच जाएगी, ये कावड़ की पूरी देख रेख रखते हैं हम, एक फोन मारेंगे या 2 घंटे 1 घंटे में हमारे पास। अच्छा जितना जल्दी हो जाएगा इतना जल्दी पास में पहुँच जाएंगे। ये बात बहुत सबसे बढ़िया भैया, यही चीज चाहिए होती है। देखो एक बंदे को भरोसा इसी चीज पे होता है कि अगर रास्ते में चलते हुए कोई परेशानी हो रही है आप उसकी हेल्प करने पहुंच रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। अब पिछली बार की कावड़ देखी होगी कैसी थी, भाई के हाथ की थी, इसका नाम हो गया था अच्छा खासा, बाकी इस बार और देखते हैं क्या रहता है। डबल नाम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलो भैया डबल नाम ही चाहिए, सभी बड़ा धमाका होएगा भाई। टाइम हो चुका है 1:23, मैंने कहा चलो निकलते हैं अब यहाँ से, देख रहे हो 1:23 हो चुका है, अब निकल रहे भैया के पास से। मेरे जूते तो नहीं चाहिए, कि जब पहुँचे तो काम तैयार ही हो,
प्लग लगा के और निकलो है। हाँ जी बस। देखो भाई रात में भी तगड़े वाली मेहनत चल रही है भाई, लगे पड़े अभी तक भी। ये क्या बना रहे हो, शिवलिंग बना रहे हो? बढ़िया बना रहे हैं। किसी चीज़ की जरूरत ना, ढांचे वाचे की ऐसे ही बना देंगे है ना। और यहाँ पे चल रही है तैयारी पूजा की, लो ये देखो यहाँ पे पूजा हो रही है। और अपनी कावड़ की झलक है ना, अब हल्की सी देखो बोल के दे, तो कावड़ की पूजा हो रही है भाई। आज भैया लड्डू खिलाने वाले हैं, इसके बाद में लड्डू लाए हो, बर्फी लाए हो? ये देखो पीछे वाली कावड़, देखो भाई पीछे वाली कावड़ के अलग अलग पोर्शन बढ़े, ये पता नहीं ये कौन सी का होगा, ये कौन सी का होगा, अभी कुछ पता नहीं है। ये जब फिक्स हो जाएंगी ना सारी की सारी एक जगह, जब पता चलेगा कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। हो गई आज कावड़ की पूजा, बोल शंकर भगवान की जय। ये दिल्ली दरबार के लड्डू हैं। अच्छा, और बहुत फेमस है। अच्छा, इसकी दुकान तो यहीं बस ये दिखाए जा सकते हैं? नहीं नहीं दिखाए नहीं, खिलाए भी सकते हैं। ये लो पानी तो सारा यहाँ निकल गया, नहीं खिला भी सकते, जोर का ही कर दिया जाना। बढ़िया रहा वैसे का भी जोर। भाई टाइम हो चुका है 1:41, यानी कि लगभग लगभग 2 बजने वाले हैं, और अब हम यहाँ से निकल लें। भाई पूरी रात सी हमारी यहाँ पे निकल गई, गाड़ी आगे निकल चुकी है, थोड़ा सा आगे गई है। मैं निकल रहा हूँ अब, और मैं इनसे बोलने वाला हूँ कि तुम आते रहो, क्योंकि तुम मैं ये तो जाएंगे दिल्ली और मुझे जाना है गाजियाबाद, तो ये आते रहेंगे और मैं निकल जाऊँगा भाई सीधा घर के लिए, टापम टाप टापम टाप। तो ये सारी सीन करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और भाई से आपको मिलवा ही दिया है, जो भी सीन था वो सारी चीज़ बता दी है। धड़कन डीजे वालों की भी यहीं से बनी है, और विक्की भाई का काम बहुत सही है, सारा काम अच्छा लगा विक्की भाई का। तो इसलिए अगर आपको भी कांटेक्ट करना है तो कर सकते हो, नंबर आप देख ही रहे हो भाई, नीचे भी चल रहा है, तो सारी चीज़ों को आप देख लेना जैसे भी आप करना चाहो। चलो जी फिलहाल मैं निकलते हैं यहाँ से धड़ पैड़ करके। तो रात में बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। खाली खाली रोड हो, तुम अकेले हो ऐसे रस्तों पे, तो क्या ही नज़ारा हो भाई, क्या ही मज़ा हो, क्या ही मज़ा हो। लेकिन हाँ भाई, इस एरिया के अंदर गायें जगह जगह रोड पे आए जा रही हैं, काफ़ी सारी जगह बीच रोड पे गायब हैं, तो ये सारी चीज़ देखकर चलनी पड़ रही है, और मज़ा बहुत आ रहा है। मैं गाड़ी को काफ़ी पीछे छोड़ चुका हूँ, मैं गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, गाड़ी बहुत पीछे रह गई है, बस जस्ट 1 मिनट हम तो पहुँच जाएंगे घर। तो भाइयों फाइनली हम वापस आ चुके हैं, और अब यहाँ पे पता है क्या होने वाला है, कुत्तों से बच के चलना है भाई, कुत्तों से बच के। और टाइम से पहले आ गया मैं, वो सारे जने रुक चुके थे लेकिन मैंने नहीं रुका, मैं वैसे भी उनसे आगे था, और मैं आगे ही आगे भाई भागम भाग आ गया। मैं नहीं रुका क्योंकि उनका फ़ोन आया कि हम रुक चुके हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं आप रुको, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो भैया भागम भाग ही जाऊँगा। तो मैं टापम टाप आया हूँ, और यहाँ ना थोड़ा सा बस ये डर है कि कुत्ते पीछे ना पड़ जाए कुत्ते, इसीलिए मैं बाइक ना बड़ी धीरे धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि एक तो बाइक की आवाज़ तेज है, अगर तेज चलाऊँगा तो सारे कुत्ते मेरे से जैसे जटपाजी से मांगने आ जाते हैं ना बाइक, वैसे ही मुझसे भी मांगने आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो भाई? कल रात हम जब कावड़ देख कर आए थे तो ज़्यादा ही लेट हो गए थे, लगभग 3:30 बज गए थे मुझे घर आते आते। तो फिलहाल में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:03, और हमारी कावड़ जो हो रही है विक्की भाई के पास तैयार हो रही है मेरठ में। अगर मैंने आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आपको विशाल कावड़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आप विक्की भाई से जानकारी ले सकते हो, जो भी बात करनी है विक्की भाई से ले सकते हो, कावड़ बनाते हैं एक नंबर, बात रहती है उनकी एक नंबर, सारी चीज़ एक नंबर है। तो फिलहाल में अगर आपको कॉन्टैक्ट विशाल कावड़ के लिए करना है तो विक्की भाई से ज़रूर करना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना, प्यारी प्यारी कमेंट्स मिलेंगी। देखो आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है हमारी लाइफ में, लेकिन ठीक है भाई, धमाल मचा देंगे इस बार कावड़ यात्रा में। तो चलो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कावड़ यात्रा इस बार ज़बरदस्त होने वाली है, बेहतरीन होने वाली है, सभी का स्वागत है भाई कावड़ यात्रा में, ऐसी कोई किसी से मतभेद नहीं है, मज़े करेंगे। डीजे सार्जन के बारे में भी बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है हमारे चैनल पर,
तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।